Hey guys, welcome back to a new video. Today is 10th June and आज का वेदर जो है वो बहुत ही सही है वेदर है. हो गया इसका. अच्छा तू रात पे तो बहुत गंदा था, अभी इतना साफा क्यों कैसे हो गया? क्या हो रहा है ये? गाइज हम लोगों का जो गिटार प्ले है वो हो चुका है रेडी एंड भाई अभी रिव्यू कर रहा है इसका, कैसे मैं एडिट किया हूँ वो वाला देख रहा है. तो अब भी रिलीज़ कर दूँगा एक्सपोर्ट करके ही, फिर मेरा व्लॉग आएगा आज दोपहर में. सो थोड़ा सा सह लो यार. अभी हो रहा है दोपहर एंड मैं जाऊंगा नहाने एंड उसके बाद मैं वो खतरनाक सा सर्किट बनाऊंगा. कुछ खतरनाक सा ही सर्किट होगा एक्चुअली, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ पीसीबी बोर्ड नहीं है, जो भी होगा वेरो बोर्ड के ऊपर बनाना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज. एक्चुअली मैं अभी मेरा और भाई का जो गिटार कवर था वो अपलोड किया हूँ मेरे ही चैनल में, तो आप लोगों का सपोर्ट देख के तो दिल खुश हो गया. और भी शेयर कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लगा तो. आज इसके लिए एक लाइट का इंतजाम कर दिया हूँ क्योंकि बहुत डरता है ये यहाँ पे सोने से. गाइस मैं अभी से जो बनाने जा रहा हूँ, यानी कि जो धमाकेदार चीज मैं बनाने जा रहा हूँ वो है होम ऑटोमेशन. एक्चुअली ये मेरा जो रूम है इस रूम को मैं पूरा ऑटोमेट करने वाला हूँ. पूरा ऑटोमेट मतलब फुल फोन से ही चलेगा रूम, मतलब रूम नहीं चलेगा, रूम का जो लाइट है, फैन है, स्विच बोर्ड है, ये सभी चलेगा. मेरे रूम में 1, 2, 3, 4 लाइट्स है, 2 स्विच बोर्ड्स है एंड 1 तो फैन है. तो ये सभी चीजें मैं मेरा एक फोन से ही कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को. जो बनाने का स्टार्टिंग करने वाला हूँ वो है एक सिंपल सर्किट, सिंपल, कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है वहाँ पे. ये देखो इसको कहते हैं रिले, इसका टोटल 5 पॉइंट होता है. मैं एक थ्रो फैन का रेगुलेटर भी लिया हूँ, जो रेगुलेटिंग सर्किट है वो 3 रिले से बनेगा. पूरा रेगुलेटर ही खरीद कर लेकर आ गया क्योंकि ये कंपोनेंट्स कहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी पता नहीं. कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ LED,
ये तो लगता है पावर सोर्स ऑब्वियसली लगेगा। एंड आखिरी में जिससे हमारा फोन जो भी कंपोनेंट्स है उससे कनेक्ट होगा वो चीज क्या है, एक तो वाईफाई मॉड्यूल है, नोड एमसीयू करके मार्केट में आता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर मेरा जो राउटर है वो राउटर से ये कनेक्ट हो जाता है। वो राउटर का पासवर्ड इसमें कंप्यूटर के थ्रू डालना पड़ेगा एंड डालने का बाद कुछ प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, एड्रिनो में लिखना पड़ेगा। यही है, इससे ही बनाता हूँ पूरा सर्किट। तो यही प्लान है फिलहाल, इतने दिन में अवल हो सकता है वही देखते हैं या फेल हो जाता है मेरा पूरा प्लान। और गाइस मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका मतलब मैं जब ये ऑटोमेशन बना लूँगा पूरा रूम के लिए, इसका बाद क्या टारगेट होगा? इसका बाद मेरा एक ही टारगेट होगा, गूगल होम या एलेक्सा या सिरी, ये तीनों में से कोई सभी असिस्टेंट हो, उससे हम कैसे इस रूम का जो कंपोनेंट्स है, रूम का जो लाइट फैन स्विच बोर्ड ये है, ये कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। गाइस आज के वीडियो में मैंने बोला क्या क्या मेरा नेक्स्ट प्लान है, एंड दूसरे वीडियो में, कल का वीडियो में मैं कुछ काम प्रोग्रेस करूँगा, कुछ सर्किट बनाऊँगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ऑब्वियसली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज बहुत टायर्ड भी हो गया हूँ क्योंकि आज दोनों वीडियो एडिट करना था, कल का व्लॉग वो भी एडिट करना था क्योंकि कल रात को सो गया था मैं। सो इसीलिए दोनों एडिटिंग के बाद बहुत टायर्ड हो गया हूँ एंड अभी मैं सोने जा रहा हूँ। सो लेट्स गुड बाय एंड गुड नाइट। सुनो सब्सक्राइब कर दो यार और शेयर भी। चलो टाटा बाय, गुड नाइट।